नमस्कार दोस्तों, ओवरलोड इंडिया के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि 7 लाख में कौन सा गुड्स कैरियर खरीदा जा सकता है। हम आपको नई गाड़ी और सेकेंड हैंड गाड़ियों की सलाह देंगे और आप आपकी आवश्यकता मन में रख के अपना डिसीजन ले लीजिए। हम जिप, जीतो या एस जैसे गाड़ियों के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे एक पहले वीडियो में वो कंपैरिजन हमने किया है। इस बार शुरू करते हैं टाटा एस मेगा और सुप्रो से, जो 1 टन वाले गाड़ियां हैं। तो शुरू करते हैं 1 टन पेलोड से। सुप्रो मैक्सी ट्रक पड़ेगा 4.5 लाख में, जो शोरूम प्राइस है। 5 लाख 10 हजार से 5 लाख 20 हजार तक ऑन रोड प्राइस हो सकता है। एस मेगा शुरू होता है 4 लाख 40 हजार रुपए से और मेगा एक्सेल पड़ेगा 4 लाख 80 हजार में। मेगा का ऑन रोड प्राइस हो सकता है 5 लाख से 5 लाख 20 हजार तक और मेगा एक्सेल पड़ेगा 5.5 लाख तक। अब देखते हैं 1.25 टन का पेलोड। इस कैटेगरी में आपको मिलेगा अशोक लेलैंड दोस्त, जिसका प्राइस चालू होता है 5.25 लाख से। ऑन रोड प्राइस होगा 5 लाख 90 हजार तक। इसी टनेज में है महिंद्रा बोलेरो पिकअप, जो 1.25 टन पेलोड वाला है। इस पिकअप का प्राइस शुरू होता है 6.3 लाख रुपए से। ऑन रोड देखें तो 7 लाख तक आ सकता है। इस ट्रक के मुकाबले में टाटा का योथा है, जो 20 हजार रुपए सस्ता है और ऑन रोड प्राइस 6.8 लाख तक हो सकता है। अब देखते हैं 1.5 टन का पेलोड। इधर भी अशोक लेलैंड दोस्त प्लस सबसे सस्ता है और प्राइस चालू होता है 5 लाख 70 हजार से। 6 लाख 40 हजार में गाड़ी ऑन रोड हो सकता है। इस गाड़ी के मुकाबले में है महिंद्रा पिक बोलेरो पिकअप, जो 1.5 टन पेलोड वाला है। इस गाड़ी का प्राइस चालू होता है 6 लाख 45 हजार से और ऑन रोड प्राइस 7 लाख 10 हजार हो सकता है। अगर पुराना गाड़ी या सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी है और पूरा 7 लाख का बजट है, तो आपको मिलेंगे बहुत अच्छे कंडीशन वाला टाटा 407 पिकअप, जिसका रजिस्ट्रेशन 2 साल के अंदर हुआ है। ये गाड़ी का पेलोड यानी कि पासिंग 3 टन तक का है और 6 टन तक के लोडिंग के लिए बना हुआ है। इसी बजट में आपको मिल सकते हैं बहुत अच्छे कंडीशन वाला 2 या 3 साल पुराना महिंद्रा कैप किंग, जो इसी कैटेगरी का गाड़ी है पर चौड़ाई में थोड़ा पीछे है। ये गाड़ी संकीर्ण और छोटे गलियों में बहुत सहायक है क्योंकि इस गाड़ी की चौड़ाई है 1800 mm, जो बोलेरो से बस 100 mm ही ज्यादा है। ये दोनों में 407 ज्यादा तगड़ा है, पर कैबिन कंफर्ट महिंद्रा की गाड़ी में थोड़ा बेहतर है। यही बजट में आइशर का 1059 चार टायर वाला गाड़ी भी मिल सकता है, पर ये रोड में कम दिखता है। 2 से 5 साल पुराना गाड़ी देख रहे हो तो आइशर 1075, टाटा LPT 709 या स्वराज मस्ता T3500 मिल सकते हैं 7 लाख में। पर हम ये सलाह देंगे कि ये गाड़ियों का आप मैकेनिक के साथ इंस्पेक्शन कर दीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपको ज्यादा कंप्लेंट्स वाला गाड़ी मिला हो। अगर 2 सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी है तो आपको अच्छे कंडीशन वाले 2 अशोक लेलैंड दोस्त मिल सकते हैं या अच्छे कंडीशन वाले 2 टाटा सुपर एस मिल सकते हैं। जूना 407 या महिंद्रा कैप किंग भी 2 मिल सकते हैं। इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो इस वीडियो में देना मुश्किल है, पर आप कमेंट सेक्शन में आपका क्वेरीज पूछ सकते हैं और हम हमारा ओपिनियंस दे देंगे। तो अगले वीडियो तक धन्यवाद। जय हिंद।